हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिडब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सी के कंडीशनल ऑपरेटर्स के बारे में। कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर्स भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटर्स, सी प्रोग्रामिंग की पिछली वीडियो ट्यूटोरियल्स की सीरीज में हमने ऑपरेटर्स के बारे में जाना था और ऑपरेटर्स के डिफरेंट टाइप्स, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, ये एक एक करके सारे हम जान चुके हैं। और आज इसकी बार ये वो है कंडीशनल ऑपरेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है आखिर ये कंडीशनल ऑपरेटर और कैसे इसे हम यूज करते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स आर ऑल्सो रेफर टू एज टर्नरी ऑपरेटर, यानी कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। इट हैज क्वेश्चन मार्क साइन एंड कोलोन साइन एज ऑपरेटर्स। मतलब इसको, ये जो होता है वो दो साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, पहला होता है क्वेश्चन मार्क का और दूसरा होता है ये कोलोन साइन का कॉम्बिनेशन। ये दोनों मिलके एक साथ क्या बनाते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर बनाते हैं। और इन कंडीशनल ऑपरेटर्स को कभी 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 क्या, यूजुअली हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट आर कंडीशनल ऑपरेटर, ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर टर्नरी ऑपरेटर। एग्जाम में ये क्वेश्चन के रूप में जनरली पूछा जाता है, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। यानी ऑपरेटर्स की सीरीज में आपको एक तो था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा है कंडीशनल ऑपरेटर, जो कि एग्जाम्स में ज्यादातर टीचर्स की पसंद होती है और इन दोनों में से कोई एक ना एक क्वेश्चन वो जरूर दिया करते हैं। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है कंडीशनल ऑपरेटर का? सिंटैक्स ये होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट के अंदर टेक्स्ट एक्सप्रेशन लिखना, सॉरी टेस्ट एक्सप्रेशन लिखना होता है। टेस्ट एक्सप्रेशन मतलब क्या हुआ कि आप जिस कंडीशन को चेक करना चाहते हैं, यानी यहां पे आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कंडीशन, राइट? यानी कि एक कंडीशन आपको देना होता है और ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो क्या होगा, फॉल्स होगा। मैंने आपको बताया था किसी भी कंडीशन में सिर्फ दो ही चीजें निकल के बाहर आती हैं, या तो वो कंडीशन ट्रू होती है या तो वो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स होती है, राइट? अगर ये कंडीशन ट्रू है, देखिए ये चीज इवैल्यूएट होगी पहले, और ये कंडीशन अगर ट्रू है तो यहां पे आप कुछ स्टेटमेंट देंगे जो ट्रू सेक्शन पे, मतलब जब ये कंडीशन सही होगा तब एग्जीक्यूट होगा, और यहां वो कंडीशन देंगे यानी वो सेक्शन देंगे जो फॉल्स होने पे क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब क्या हुआ, पहले ये कंडीशन चेक किया जाएगा। ओके, इस कंडीशन को चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू निकला तो ये सेक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये सेक्शन क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। मतलब इन दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, ये होता है ट्रू वाला सेक्शन और ये होता है कौन सा, फॉल्स वाला सेक्शन। और ये फिक्स होता है, यहीं इसी साइड पे ट्रू होता है और अगली वाली साइड पे क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। मान लीजिए मैंने यहाँ एक एक्सप्रेशन लिया कि ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, ए इज ग्रेटर देन बी ये कंडीशन है। अब ए की वैल्यू और बी की वैल्यू के हिसाब से यहाँ पता चल जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू आता है तो किसको सेलेक्ट किया जाएगा, ए को सेलेक्ट किया जाएगा। अगर ये फॉल्स आता है तो किसको सेलेक्ट किया जाएगा, बी को सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रू सेक्शन है और ये कौन सा सेक्शन है, फॉल्स सेक्शन है। तो ये फाइनली एक्सप्रेशन आपको क्या रिजल्ट देगा, हमेशा मैक्स नंबर देगा बिटवीन टू नंबर्स। क्यों? क्योंकि अगर ए बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है कि ए को लिया जा रहा है। अगर अगर ए बड़ा नहीं है तो कौन सा बड़ा होगा, ऑब्वियसली बात है बी बड़ा होगा और बी को लिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में से कोई ना कोई एक ही बड़ा होगा। तो इसलिए हमेशा जब आप काम करेंगे तो किस नंबर पर काम करेंगे, मैक्स नंबर पर ही काम करेंगे। चलिए इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं, जो आपको ज्यादा आसान लगेगा समझना। ये है हमारा एक प्रोग्राम कंडीशनल ऑपरेटर पे। आपने दो वेरिएबल्स लिए, एक ए लिया, एक बी लिया और एक मैक्स लिया। मुझे लगता है मुझे ये सारी चीजें आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये क्यों लिखा है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को प्लीज 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 रेफर कीजिए, क्योंकि मैंने एक एक चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर किया हुआ है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारे पास एक ए नाम का स्पेस है मेमोरी में, एक बी नाम का स्पेस है मेमोरी में, और एक क्या है, मैक्स नाम का स्पेस है मेमोरी में। ठीक है, ये तीनों वेरिएबल्स हैं हमारे, जो हमारे क्या हो गए, वेरिएबल्स बन के रखे हुए हैं, अब हमें इन्हें यूज करना है। देखिए अब क्या करते हैं, आप प्रिंट करते हैं एंटर टू नंबर्स। तो मान लीजिए ए में आप 6 देते हैं और बी में आप 7 देते हैं, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, राइट? अब हम क्या करते हैं, इंटर टू नंबर्स को जब मैंने मैसेज दिखा दिया तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों नंबर्स को यूजर देगा। पहले नंबर को के लिए पहला परसेंट डी, दूसरे नंबर के लिए दूसरा परसेंट डी। पहले नंबर को कहाँ रीड कर रहा है, ए में रीड कर रहा है, और दूसरे वाले नंबर को कहाँ रीड कर ले रहा है, बी में रीड कर ले रहा है। तो मान लीजिए ए में उसने 6 दिया यूजर ने, तो वो ए में चला गया, बी में 7 दिया तो वो कहाँ चला गया, 7 बी में चला गया। ठीक है, अब हमें इस प्रोग्राम के जरिए मैक्स फाइंड करना था। मतलब ये जो हम प्रोग्राम लिखने जा रहे थे, ये है मैक्स बिटवीन टू नंबर्स को निकालने का प्रोग्राम। तो दो नंबर तो हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब दो नंबर को लेने के बाद हम टर्नरी ऑपरेटर को क्या करने जा रहे हैं, यानी कि कंडीशनल ऑपरेटर को करने जा रहे हैं यूज। कैसे यूज करते हैं, देखिए अगर दो नंबर में हमें फाइंड करना है कि कौन सा फाइंड है, मान लीजिए मेरे पास एक ए नंबर ए है और एक बी है, तो हम यही चेक कर सकते हैं ना कि ए इज ग्रेटर देन बी है या नहीं है। अगर है तो हम कहेंगे कि ए बड़ा है,
अगर ए नहीं बड़ा है बी से तो ऑब्वियसली बात है कौन सा बड़ा होगा, बी बड़ा होगा। तो मतलब यही हमारे पास कंडीशन है। तो यही कंडीशन हमने पहले लिखा कि चेक कीजिए ए बड़ा है क्या बी से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पहले हमने क्या लिखा, टेस्ट कंडीशन। ये हमारा कंडीशन है कि चेक करते हैं कि ए बड़ा है क्या बी से, तो या तो ट्रू निकल के आएगा या तो क्या निकल के आएगा, फॉल्स निकल के आएगा। ठीक है, यही दोनों में से कोई एक चीज निकल के आएगी। तो देखते हैं इस इनपुट के हिसाब से क्या निकल के आता है। तो इस इनपुट के हिसाब से निकल के आएगा 6 यानी कि ए इज ग्रेटर देन 7, नहीं क्या निकल के आएगा, फॉल्स निकल के आएगा। तो फॉल्स वाला सेक्शन कौन सा है, मैंने बताया था ये वाला सेक्शन ट्रू होता है और ये वाला सेक्शन क्या होता है, फॉल्स होता है। यानी किसकी वैल्यू को लेगा, ये बी की वैल्यू को लेगा। और देखिए यहाँ पे इक्वल टू साइन लगा हुआ है, तो इस बी की वैल्यू को वो कहाँ कॉपी कर देगा, मैक्स में कॉपी कर देगा। तो मैक्स में ट्रांसफर करने से क्या होगा, ऑब्वियसली बात है मैक्स में कौन सा नंबर आ जाएगा, जो बड़ा नंबर था वो आ जाएगा। और अगले लाइन में हम मैक्स नंबर इक्वल टू परसेंट डी के जरिए मैक्स को क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट कर दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है हमारे प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आएगा, जो भी दोनों में बड़ा होगा वो आएगा। अगर हम 16 और 7 वाला केस लेते हैं तो आपको जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, लिखा हुआ आएगा मैक्स नंबर इक्वल टू व्हाट, 17। तो ये है हमारा कंडीशनल यानी कि टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे ये प्रोग्राम तो मैंने आपको बता दिया, अब आपको एक काम करना है, आप एक प्रोग्राम लीजिए मेरे से, एक असाइनमेंट लीजिए जिसमें आपको मैक्स बिटवीन थ्री नंबर्स निकालना है। ठीक है, मैक्स बिटवीन हाउ मेनी नंबर्स, थ्री नंबर्स, और किसका यूज करके, इफ का यूज नहीं करना है क्योंकि मैंने अभी आपको इफ नहीं पढ़ाया, इसी टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके। यानी कि ये आपका असाइनमेंट है, आप इसे कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, मैं आपको करेक्ट करूंगा। और अगर आप लोगों ने बना दिया तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं अगली वीडियो जो है वो मैक्स बिटवीन थ्री नंबर्स पे रख दूंगा, जो हमारा कंडीशनल ऑपरेटर है। फिलहाल के लिए हम चलते हैं इस प्रोग्राम के प्रोग्रामेटिकल इंप्लीमेंटेशन पे। आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे कोड ब्लॉक्स को इंस्टॉल करते हैं और काम करते हैं, तो उसी कोड ब्लॉक्स पे हम जा रहे हैं अपना प्रोग्राम ये रन करने। ये प्रोग्राम आप टर्बो C++ पे भी एज इट इज रन कर सकते हैं। तो अगर आपके पास टर्बो C++ है तो आप उस पर रन कर लीजिए, अगर आपने कोड ब्लॉक्स मेरी पिछली वीडियोस को देख इंस्टॉल कर लिया है तो उसमें भी रन कर सकते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना कोड ब्लॉक्स खोलना पड़ेगा। टर्बो C++ वाले अपना टर्बो C++ खोलें। ये हमारा कोड ब्लॉक्स का स्क्रीन आ गया, हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, राइट, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे एम्प्टी फाइल पे, और अब हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो हैश इंक्लूड stdio.h, फिर हैश इंक्लूड conio.h। अच्छा, अभी तक हम वाइट मेन का यूज करते थे, लेकिन अब हम किसका यूज करेंगे, इंट मेन का यूज करेंगे। इंट मेन का यूज क्यों करेंगे, बेसिकली ये सी का एक स्टैंडर्ड है कि आपको मेन फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करना चाहिए। अगर आप वाइड मेन भी लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सी है, सी के स्टैंडर्ड को हमें मानना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, इंट मेन लिखते हैं। इंट मेन लिखने पे हमारे प्रोग्राम में सिर्फ एक चेंज होता है, वो क्या होता है, सबसे लास्ट में आप जाके बस एक क्या करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट डाल देंगे, रिटर्न क्या, वन। अब ये रिटर्न वन क्यों होता है, क्या होता है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी बिल्कुल इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये जानिए कि मैंने अपने void main को int main में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि ये C का स्टैंडर्ड होता है, आपको ऐसे ही फॉलो करना है। और int main लिखने की वजह से हमें क्या करना पड़ा, रिटर्न वन करना पड़ा। हम ये बाद में जानेंगे, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करूंगा क्यों मैंने रिटर्न वन लिखा है। अभी हम मान लीजिए बस ऐसे ही लिखते हैं, void main को हटाया, int main किया और रिटर्न वन किया, बाकी हमारी कोडिंग बिल्कुल सेम होगी। यहाँ पे कैसे कोड लिखेंगे, तो हम बिल्कुल वही कोड लिखेंगे, अपना ए कॉमा बी कॉमा व्हाट, मैक्स एक वेरिएबल लिया था हमने। ठीक है, हम यहाँ प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे, प्रिंट एफ की मदद से स्लैश एन, नए लाइन में एंटर टू नंबर्स, राइट। अब जैसे ही ये मैसेज स्क्रीन पे जाएगा, यूजर ऑब्वियसली बात है आपको दो नंबर देगा, आप उसको कहाँ स्कैन कर लेंगे, स्कैन ऑफ %d%d, और पहले नंबर को कहाँ रीड कर लेंगे आप, एड्रेस ऑफ ए में, और दूसरे को कहाँ रीड कर लेंगे, एड्रेस ऑफ बी में रीड कर लेंगे। अब मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था, देखिए मैक्स इक्वल टू, पहले यहाँ कंडीशन देंगे कि ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, अगर है तो ए को, नहीं तो बी को कहाँ ट्रांसफर कर दो, मैक्स में। और ऑब्वियसली बात है इस केस में हमारे पास क्या आया, मैक्स में ही जो है सबसे बड़ा नंबर आया, तो हम यहाँ लिखेंगे मैक्स नंबर, सॉरी यहाँ पे देखिए स्लैश एन में से स्लैश दे दिया मैंने, एन छोड़ दिया, तो यहाँ एन दे दिया, स्लैश एन मैक्स नंबर इक्वल टू %d कमा किसकी वैल्यू, मैक्स की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, गेट सी एच यहाँ पे लगाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि टर्बो C++ वाले भी यहाँ काम करें, इसलिए मैं जानबूझ के यहाँ गेट सी एच भी दे रहा हूँ। क्यों नहीं होता यहाँ जरूरी कोड ब्लॉक्स में, क्योंकि कोड ब्लॉक्स में गेट सी एच खुद ब खुद काम करता है, स्क्रीन आपकी होल्ड तब तक रहती है जब तक आप आउटपुट ना देख लें। तो अब इस प्रोग्राम को रन करने से पहले सबसे पहले हमें इसे सेव करना पड़ेगा, तो फाइल में जाते हैं, सेव फाइल एज करते हैं,
ठीक है, अपना नाम देते हैं, मान लीजिए मैक्स देते हैं, और सी या सी प्लस प्लस सेवेस टाइप तो ऑलरेडी है ही, यहाँ पे बस किस पे क्लिक कर देंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, डिबग में सॉरी बिल्ड मेनू पे जाना होता है, और किस पे क्लिक करना होता है, कंपाइल करेंट फाइल पे क्लिक करना होता है। देखिए जैसे आपने कंपाइल किया आपको देता है जीरो एरर्स, जीरो वार्निंग, और जो भी समय से लगा कंपाइल करने में, अगर कोई भी एरर होता तो वो यहाँ पे आपको एरर क्या कर देता, शो कर देता। अब आप क्या करेंगे, बिल्ड मेनू में जाएंगे, आप ऑलरेडी कंपाइल कर चुके थे, अब आप क्या कर लेंगे, रन कर लेंगे। जैसे ही रन करेंगे देखिए आपसे दो नंबर पूछने लगा, मान लीजिए पहला नंबर हम देते हैं 5 और दूसरा नंबर देते हैं 10, ये स्पेस देके भी आप दे सकते हैं या इंटर करके भी दे सकते हैं। जैसे मैंने भी 5 दिया, 5 के बाद स्पेस दिया, फिर 10 दिया, आप चाहते 5 देते एंटर करते फिर 10 देते, वो दोनों आपके तरीके होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। देखिए आपको फाइनल आंसर क्या दिया, मैक्स नंबर इक्वल टू 10। तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल क्या कर रहा है, सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आपकी नेक्स्ट एक्साइनमेंट आप याद रखिए, आपको 3 नंबर्स में मैक्सिमम नंबर निकालना है यूजिंग दिस कंडीशनल ऑपरेटर। अब आप इस प्रोग्राम पर वर्कआउट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आप ये बना सकते हैं या नहीं। अगर आप मुझे बताते हैं तो मैं अगली वीडियो ये 3 नंबर्स के लिए बना के आपको समझाऊंगा कि ये कैसे 3 नंबर्स को भी मैक्स, मतलब 3 नंबर्स में भी कैसे मैक्स ये निकाल सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आई तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।